गाइस, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, मुझे धीरे धीरे करके अपना कंटेंट इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंटेंट इम्प्रूव करूँगा तो मुझे और ऑडियंस भी मिलेगी। वैसे तो मैं फ़ोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, बट अब मुझे लगा कि अगर कंटेंट इम्प्रूव करना है तो ऑडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए को मनाया और आज से ऑर्डर किया। लगभग आज से एक हफ्ते पहले बोया माइक MM1, तो अब बस वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। पिछले 10 मिनट से, जब से वो मैसेज आया है आउट फॉर डिलीवरी का, तब से मैं रूम से बालकनी, बालकनी से रूम। तो गाइज, माइक तो आ चुका है फाइनली, बट मैंने एक्साइटमेंट के कारण जल्दी से अनबॉक्स कर दिया है और मैं आपको दिखा नहीं पाया कि माइक के अंदर क्या क्या था, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि क्या। तो गाइज, ये है अपना मेन प्रोडक्ट, बोया BY-M1 माइक। और अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं, ये भी मैं एडिटिंग के वक्त इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बाकी ये है इसका बॉक्स, पीछे सब फीचर्स लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ। और बाकी वो जिस तरीके का दिखता है, तो जल्दी से अब इसको अनबॉक्स करते हैं। वैसे मैं एक बार कर चुका हूँ, बट मैं आपको एक बार दिखाने के लिए फिर से कर देता हूँ अनबॉक्स। और बाकी बॉक्स ओपन करते ही बोया के कैरिंग बैग में, ब्लैक कलर का है जो, उसमें है हमारा मेन माइक, और उसके अंदर है ये मेन माइक, ये है, और ये इसके अंदर है। इसमें एक DSLR के लिए केबल है और एक बैटरी है, जो जब हम DSLR के साथ यूज़ करेंगे तभी आएगी काम। बाकी बॉक्स के अंदर बोया के स्टिकर्स हैं, वारंटी कार्ड है, और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो कि चाइनीज़ में है वैसे तो, मगर शायद इंग्लिश में भी होगी। है गाइस, इंग्लिश में भी है, तो ये अपन पढ़ लेंगे। अब फ़िलहाल इन सब चीज़ों को साइड करके आते हैं मेन माइक पे। तो ये है बोया, काफ़ी अच्छा कवर है, मतलब काफ़ी सही क्वालिटी का है कैरिंग बैग इसका। अब हम निकालते हैं माइक को। तो गाइज़, ये है माइक, काफ़ी बड़े वायर के संग ये माइक आता है। इसमें एक तो मेन फोल्ड है और दो फोल्ड वैसी छोटी पैंट से था। और ये कैरिंग बैग साइड रखते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन माइक। तो गाइज, ये है कुछ मेन माइक, जिसका तार थोड़ा अनफोल्ड हो चुका है, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा सुलझा लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे अच्छी बात है, काफ़ी बड़ा वायर है। तो गाइज, ये तो है मेन माइक। इस पे मैंने विंडशील्ड पहले लगा दी है, ब्लैक कलर की, ये इस पे कॉलर में लगाने का। और बाकी ये है वायर के ऊपर एक बैंड, जिससे आप वायर को अटैच कर सकते हैं। और ये केबल है ये फ़ोन के संग। बाकी ये है कंडेंसर, जो कि स्मार्टफोन के लिए ऑफ, और कैमरे पे आपको करना है तो आप इसे कैमरे पे कर सकते हैं। और बाकी इसमें एक बैटरी डलती है, इसको यहाँ से ओपन करते हैं, यहाँ पे वो बैटरी डलती है जो मैंने आपको दिखाई थी उस पाउच में थी, ये वाली बैटरी। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें तो स्मार्टफोन के संग यूज़ करना है। और बाकी ये है, आप अपनी पॉकेट में इसे इंसर्ट कर सकते हैं इससे। तो बाकी ऐसा कुछ है ये माइक। तो अब जल्दी से हम इसकी ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं करेंटली, वो है स्मार्टफोन की ऑडियो। तो अब जल्दी से माइक की ऑडियो टेस्ट करते हैं। तो गाइस, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं, ये है बोया BY-M1 से। और आपको ऑडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ फ़ोन की ऑडियो इसके कंपैरिजन में, इसी पिच की वॉइस में। इतनी लाउड होगी मेरी वॉइस। तो गाइस, ये है ऑडियो स्मार्टफोन के संग जो आप अभी सुन रहे हैं, और मैं उसी पिच में, उसी लाउडनेस में बोल रहा हूँ जितना लाउड मैं माइक के संग था। अब बाकी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर से माइक लगा देते हैं। तो गाइस, ये है माइक की ऑडियो जो आपने सुन ली।
अब एक बार थोड़ा चल के ऑडियो टेस्ट करते हैं कि ऑडियो कैसी आती है। तो चलिए, बस इसका एक ड्रॉबैक है कि इसका जो वायर है ये बहुत लंबा है, और बाकी जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें ये सब एक्सेसरीज़ वगैरह इंक्लूडेड देते हैं, और कैरिंग बैग काफ़ी अच्छा है, और बाकी मैंने मैनुअल्स वगैरह पढ़ लिए हैं उसके सारे इंस्ट्रक्शंस। तो अब थोड़ा चल के टेस्ट करते मैं हैं। थोड़ा बहुत चल रहा हूँ और ऑडियो आपको समझ में आ ही रही होगी कि कैसी आ रही है। बाकी मुझे बस वायर लंबा होने के कारण अपने एक हाथ में वायर पकड़ना पड़ेगा पूरे टाइम, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, मतलब ठीक है, कर सकते हैं, सही है। मतलब ऑडियो तो आप सुन ही रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही रही होगी, और बाकी एक बार आउटडोर में भी चल के हम टेस्ट करते हैं ऑडियो। तो गाइस अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो है मेरी बालकनी से, और यहाँ पे लगभग विंड की भी साउंड ठीक ठाक है, चिड़िया वगैरह की भी साउंड आ रही है। तो एक मिनट में शांत होता हूँ और फिर आप ऑब्ज़र्व करिए कि कितनी बैकग्राउंड नॉइज़ आती है। तो गाइस जो भी रिजल्ट्स है वो आपके सामने है, अब वापस से अंदर चलते हैं एक बार और फिर बात करते हैं। तो गाइस ओवरऑल मुझे माइक बहुत ही अच्छा लगा, मतलब माइक के काफ़ी जो मैंने रिव्यूज़ देखे थे उसके अकॉर्डिंग मुझे माइक काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जैसे कि सबसे अच्छा तो अभी भी मुझे ये कैरिंग बैग लग रहा है, और ऑडियो क्वालिटी भी जब मैंने अपनी क्लिप देखा तो बहुत ही बड़ा अंतर था, और दोनों में ही जो मैंने ऑडियो लगाई है वो जीरो एडिटेड है, ना मैंने उसमें वॉल्यूम अप की है ना डाउन की है, जो ओरिजिनल ऑडियो है वही आपको सुनाई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी अब आने वाले जितने भी अपकमिंग व्लॉग्स हैं उनमें आपको इसी माइक की ऑडियो सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।